सावधानी है, रीच राज का वर्जित क्षेत्र है। मैं भीतर जा रहा हूँ। नहीं काना, भीतर मत जाओ, मत जाओ। कृष्णा, जा। कहाँ है कृष्ण? इस गुफा के भीतर इस चट्टान ने द्वार बंद कर दिए हैं। कृष्ण वर्जित क्षेत्र में गए हैं, ज्ञात नहीं क्या होगा। मैंने इस भारी प्राणी को बंदी बना लिया है। ये रिक्ष राज जामवंत पर गुप्तचरी कर रहा है। इसे छोड़ना नहीं, ये बाहरी है, इसने निषेध आज्ञा तोड़ी है। रुक जाओ, कोई इन्हें छुएगा नहीं। जो भी निर्णय लेंगे वो रिक्षराज लेंगे। इन्हें रिक्षराज के पास ले चलो। महाराज, मैंने सोभरी आमोद और विख्यात को सिपाहियों के साथ भिजवा दिए, सत्यभामा को भी लौटा दिए। उचित किया आपने। महाराज, अब आप भी राजमहल की तरफ प्रस्थान करें। नहीं नहीं कृत वर्मा जी, मैं यहीं रुकूंगा। पता नहीं ये चट्टान कब हिल जाए, पर मुझे कान्हा की सुरक्षा के लिए भीतर जाना होगा। महाराज, यह जो स्थिति चल रही है उससे ज्ञात होता है कि यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण नहीं होगा। कृपया प्रस्थान कीजिए। द्वारकावासी तो नहीं लग रहा, कोई बाहरी व्यक्ति है। शतधनवा छेदी युवराज शिशुपाल के साथ प्रभात के इस प्रहार क्या कर रहे हैं? शतधनवा द्वारका में क्या करने आए थे? अवश्य कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं अभी इनकी रेवती, तुम्हें समय यहाँ? हाँ जी, आपका भोजन छोड़ने आई हूँ। परंतु आप ये क्या करने जा रहे थे रेवती? वो लोग, यदि आप उन लोगों के समक्ष अभी आएंगे तो आपकी योजना का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा, सोचा आपने?
तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। विकद्रु जी, आप हमारे व्यापारी संघ के नेता हैं, आपको हमारी सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम इस प्रकार अज्ञात पंजे वाले प्राणी के डर में नहीं जी सकते महाराज। विकद्रु जी, आपको शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। आज दो व्यापारियों को उसने अपना शिकार बनाया, कल के दिन वो 20 लोगों पे आक्रमण करेगा। छोटे छोटे बालक घूमते हैं, स्त्रियां कुएं पे जाती है जल भरने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप महाराज से बात कीजिए। अभी तो कृष्ण और बलराम भी यहाँ नहीं है, तो द्वारकाधीश के अलावा और कौन हमारी सुध लेगा? हाँ, सही बात है। आप लोग चिंता ना करें, मैं राजा उग्रसेन से बात करूंगा और इस बार उनसे दो टूक में कह दूंगा कि आपको पलायन चाहिए या फिर विद्रोह, और अगर नहीं चाहिए तो फिर इन्हें सुरक्षा दो। हाँ, सही बात है। कौन है और कहां से आया ये पंजे वाला प्राणी? एक ही रात्रि में दो द्वारका वासियों की मृत्यु? महाराज, यदि आप जन साधारण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर दो में से एक बात होगी, या तो पलायन और या फिर विद्रोह। यह अत्यंत चिंता का विषय है, और इससे भी अधिक चिंता का विषय तो यह है कि वो प्राणी रात्रि के समय खुला विचरण करता है। कब कहा किसे अपनी चपेट में ले रहे, कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराज, आपको मुझे वचन देना होगा ताकि मैं लोगों को आश्वस्त कर सकूं। ठीक है, आप जनता को विश्वास दिलाइए, शेष मैं आपको वचन देता हूं कि शीघ्र समाधान खोज लिया जाएगा। जनता में आपका प्रभाव है, आप समझा लेंगे। त्वर्मा जी वहां गुफा के द्वार पर व्यस्त, काना संकटों से जूझ रहा, बलराम का कुछ ज्ञात नहीं, और ऊपर से ये प्राणी। महाराज, मुझे तो ये ज्ञात हुआ है कि प्रसन्नजीत की मृत्यु का कारण भी ये प्राणी है। नहीं वासुदेव, ये प्राणी कोई नरभक्षी नहीं है, ये केवल आक्रमण करके उसे छोड़ देता है, अपने शिकार को अपना भोजन ही बनाता। ये तो केवल एक आतंक फैलाने का एक षड्यंत्र है, इसे अवश्य खोजना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं महाराज, परंतु इसे खोजेगा कौन? पूरे द्वारका में भय का वातावरण है, दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और दोनों को मारने वाला वही पंजे वाला प्राणी। देवती, तुम कह रही हो कि नगर के दो पृथक स्थानों पर दो व्यक्तियों का वध हुआ है और हत्यारा कोई पंजे वाला प्राणी है, परंतु किसी ने उसे देखा है? देखा तभी तो लोग कह रहे हैं, और पंजे के चिन्ह तो पता चल ही जाते हैं। दो वध, दो पृथक स्थानों पर। रेवती, प्रश्न ये है कि वो वध एक ही प्राणी ने किया है कि वो दो प्राणियों ने? मैंने और काना ने दस्यु देखे थे,
और उन्हें बंदी बना लिया गया था। वो कारावास में बंदी। तो देवती, तुम एक कार्य कर सकती हो। तुम कारावास में जाकर उनसे पूछताछ कर सकती हो। हमें उनसे कोई आवश्यक सूचना मिलेगी इस पहेली को हल करने के लिए। और हाँ, उस दिन विकद्रु जी ने भी तो कहा था, ये षड्यंत्र जरासंध और उनके साथियों का है। मुझे ऐसा संदेह है रेवती कि शामंतक मणि का इस प्रकार चोरी होना और शत धनवा की गतिविधियों में कोई ना कोई संबंध अवश्य है। शत धनवा का शिशुपाल के साथ होना, और शिशुपाल का जरासंध के साथ होना। अपने प्राण प्रिय हैं, तो मार्ग से हट जा बलराम। कड़ी तो जुड़ती दिखाई दे रही है रेवती, परंतु इससे कुछ नहीं होगा। हम सत्य के लिए प्रमाण तो अवश्य चाहिए। काश काना होता इस समय। मेरी निषेध आज्ञा के पश्चात भी तुमने इस वर्जित क्षेत्र में आने का साहस कैसे किया? मैं इस क्षेत्र में केवल वो खोजने आया जो हमारे क्षेत्र से चुराया गया है, और उस वस्तु का इस क्षेत्र में कोई भी स्थान नहीं, और ना ही इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का उस वस्तु पर अधिकार है। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके हाथ में जो वस्त्र से लिपटी हुई वस्तु है उसकी बात कर रहा हूं। यह चुराई हुई वस्तु नहीं है, ये मेरे राज्य में मिली है और ये राज्य मेरा है, और मेरे क्षेत्र में पर्याप्त वस्तुओं पर मेरा अधिकार है, मेरा। इसलिए ये मणि मेरी है। यदि आपका यही नियम है तो ये सब मुझे संकट के रूप में क्यों देख रहे हैं? एक व्यक्ति को सभी लोग घेर कर खड़े, और वो भी शस्त्र के साथ। रुको, तुम बहुत चतुर और निर्भीक हो और रोचक भी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं वासुदेव। वासुदेव, उत्तर के यादव कुल में मेरा जन्म हुआ। और मुझे सब कृष्ण कहकर पुकारते हैं। उत्तर के यादव कुल में मेरा जन्म हुआ। और मुझे सब कृष्ण कहकर पुकारते हैं। मेरा ध्येय किसी को भी कष्ट पहुंचाना नहीं है। मुझे ये मणि लौटा दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। कृष्ण, ये मणि मेरे क्षेत्र में है और तुम्हारे समक्ष मेरे राज्य का एक नियम है, उसका पालन सबको करना पड़ता है, फिर वो राजा हो या रंग। मेरे राज्य में प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है, यदि पाने वाले के साहस में इतनी चाहत हो। नियम केवल वही बनाते हैं जो शक्तिशाली होता है। मैं यहाँ का ऋक्षराज हूँ, और मैं यहाँ का राजा इसलिए हूँ क्योंकि आज तक कोई मुझे परास्त नहीं कर सका। एक समय था जब मैं भी तुम्हारे संसार का निवासी था, कई युगों पहले की बात है ये। मैं बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति, और मैं भी न्यायप्रिय लोगों का बहुत सम्मान करता। ऋक्षराज का नियम है
कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और अपना अधिकार ले जाओ। फलस्वरूप तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, युद्ध। यदि तुमने मुझे पराजित किया तो ये मणि तुम्हारी, किंतु स्मरण रहे, यदि तुम पराजित हुए तो आजीवन मेरे यहां कारावास में रहो। तो जरासंध का गुप्तचर है। पृथक पृथक स्थानों पर एक ही व्यक्ति को पंजा पहनाकर भेजने के बदले पृथक पृथक सैनिकों को भेजने की योजना सुंदर रही। द्वारका में भय और आतंक का वातावरण बन गया है। कृष्ण, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ ही क्षणों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिताजी को आज तक कोई भी पराजित नहीं कर पाया है। उन्हें भगवान राम के द्वारा वरदान मिला है कि उनके पास 100 सिंहों के बराबर शक्ति होगी और यह बात सत्य है। अतीत के बारे में मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जीवन ना तो भूत में है और ना ही भविष्य में। भूत तो जा चुका है, स्मृति बन चुका है, और भविष्य कल्पना मात्र है। दोनों ही यथार्थ मात्र है। जो भी है वर्तमान में है, उसी वर्तमान में उसके प्रत्येक क्षण में जीवन है, और उसका अनुभव ही जीवन है।